ये क्या डलवाया तूने यार, ये टेम्पर्ड वाइट अंकल लगाओ, क्या बेइज्जती करवा रखी है तुमने यार। पैनल फिनिशिंग बहुत बेकार है, ₹200 लग जाता। ये तो लड़को तुम भी लगवा लेना, कस्टमाइज पेज डाल रखा है, पूरी स्कूटी शिफ्ट हो गई थी। तो दोस्तों आज अपने साथ आ गया है भाई हर्षित, जिसने अपने ओला स्कूटर को चला लिया है 6600 किलोमीटर। और बता दे भाई कौन सा मॉडल है, कितने का मॉडल है ये? ओला S1 प्रो का मॉडल है और ये मुझे करीबन ऑन रोड 130,000 का पड़ा था, 5 साल गारंटी बढ़वा के। एक्सटेंडेड वारंटी अलग से ली थी, साथ आई थी? एक्सटेंडेड वारंटी मैंने अलग से ली थी, उसकी कॉस्टिंग करीबन ₹7,000 थी। हाँ। और कितना टाइम हो गया ऐसे लिए हुए? इसे लिए हुए करीबन मेरे को 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हो गए हैं? हाँ। तो 10 महीने के हिसाब से थोड़ी कम रनिंग लग रही है भाई तेरी। सबसे पहले भाई अपना ये बता दे, डेली रनिंग कैसी है और कैसे यूज़ किया जाता है, कितने पैसे बचते हैं? अगर मैं इसे कॉलेज ले जाऊँ तो मेरी डेली की रनिंग हो जाती है 45 किलोमीटर। उसके बाद मम्मी भी काम बोल देती है लाने के लिए सामान वामान, तो 50 किलोमीटर ऑन एंड एवरेज की डेली रनिंग है, लेकिन वो हफ्ते में तीन दिन। हाँ ठीक है। कितनी दूर जाता है भाई कॉलेज? 45 किलोमीटर तो बहुत है। 21 किलोमीटर दूर जाता हूँ, आना जाना 45 हो जाता है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से कितना, इससे पहले कोई चला रहा था, कौन सा व्हीकल था? इससे पहले मैं TVS वेगो चला रहा था, वो एक पेट्रोल IC इंजन की। वो कितने पैसे खर्चा लेती थी हर महीने? अगर उससे जाया जाए तो आप समझो एक ट्रिप का ₹200 लग जाता था पेट्रोल। एक ट्रिप का ₹200 लग जाता था? हाँ। तो सही है भाई, तेरे तो पैसे बच जा रहे हैं फिर। हाँ, तो सही बच। अभी इसके लिए मैंने थोड़ा मीटर भी अलग लगवा लिया, किचन बनवा के, तो इसका सब कुछ अच्छा दिल्ली सब्सिडी से मजे खा रहे हैं भाई। तो मतलब नियरली फ्री पड़ जाता होगा, क्योंकि यार हमें भी फ्री पड़ता है, दिल्ली वालों की तो खैर अभी तक कम हो जाए। ठंड में ₹12 ले लेती थी फुल चार्ज होने में, और अच्छा। अगर गर्मी की बात करी जाए तो फिर उसमें 600 के ऊपर यूनिट चली जाती है, तो उसमें 30-32 रुपये ले लेती है। 30 या 32 रुपये ले लेती है फुल चार्ज। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई तेरी गाड़ी में तूने ठोकी पीटी कहाँ पे, स्क्रैच वगैरह कहाँ पे है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ ये दिख जाता है, कितने का लगवाया, क्या है भाई? ये ₹900 का है, इसके अंदर 4 आ जाते हैं, फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब स्कूटर गिरता है तो सबसे पहले इसी पे इम्पैक्ट आता है, तो इसमें पैनल पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। ठीक है भाई। और सामने से भी मेरी इस तरफ से एक बार ठुकी थी, ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच है तो यहीं पे ठुकता है, मेन पैनल पे स्क्रैच नहीं आता। तो ये तो काफी काम की चीज बता यार लोंडे तुमने। हैं? हाँ। ये तो लड़को तुम भी लगवा लेना, जो भी ओला S1 ऑनर है, क्योंकि यार। और ये बचा लेते हैं थोड़े बहुत, नहीं बचा? हाँ, इसने भी 2-3 बार बचाया है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक रहता है, अगर सर्विस सेंटर जा रहे हो तो इसे हटा के जाना पड़ता है। तो क्या उंगली करते हैं क्या? वो ये कहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ना इन्होंने कस्टमाइज पेज डाल रखा है। हाँ। तो इसमें यहाँ बैटरी भी है, तो इसमें ये डर लगता है कि बैटरी के अंदर ना पेज चला जाए, बैटरी को। हाँ, मतलब उसकी जो IP67 रेटिंग है वो खराब ना हो जाए। ओके, तो कंपनी जो है मना करती है कि ये, हाँ, ये मतलब फ्रंट और बैक को मना करती है, वरना कंपनी कहती है कि खुद ही हम दे देते, वरना अगर ऐसा कुछ हो सकता था तो मतलब यार कंपनी अभी तक वो बना नहीं पाई, मुझे लग रहा है बना भी नहीं पाएगी ऐसा। नहीं, इसके अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ यहीं पे दे रखा है, तो लाइक इसको भी इनको इन बॉडी फिटिंग देनी होती है। अच्छा। और इसमें अभी पैनल की लोग बात करते हैं, तो पैनल भी इसके अंदर थोड़ा मजबूत सा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बार एक ऑटो वाले ने आगे मुझे ठोक दिया था, आप देख सकते हैं, एक ये पैनल इसने बचा लिया और दूसरा यहाँ पे स्क्रैच लग गया था, लेकिन पैनल टूटा नहीं, इस बात की मुझे अच्छी लगी। पूरी स्कूटी शिफ्ट हो गई थी एकदम से ऑटो आ गया। स्कूटी पे वजन कितना था? स्कूटी पे अकेला बैठा था। स्कूटी खिसक के उधर चली गई, गिर गई थी, खड़ी रही थी। ओके ठीक है भाई, तो ये कुछ टक्कर लगी थी ऑटो से। हाँ। स्क्रैच तो आ गया है, और इसने थोड़ा यहाँ भी टच हुआ होगा। हाँ, ये भी टच हुआ था, वो ऑटो के सामने का पहिया होता है वो टच हो गया था। ठीक है, तो मतलब बच गया लड़का। हाँ, बच गया। ओके, तो इसके अलावा कोई वही और एक्सीडेंट या फिर स्क्रैच वगैरह कुछ? हाँ, एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन टाइम टू टाइम बैलेंस कर लिए। हाँ, इसका एक तो हैंडल की क्वालिटी मुझे बेकार लगती है, उसमें दिक्कत ये रहती है कि जब भी मैं इसे चलाता हूँ ना, तो जैसे हम अपनी नॉर्मल TVS पहले मैं चलाता था, TVS वाली स्कूटी, तो पहिया अपनी जगह हिलता था, इसमें क्या है, ये सिंगल चिमटा का है, तो ये पूरा हैंडल साथ में वाइब्रेट होता है इसका। तो फिर क्या ना यार, ये तो वो भी हो सकता है ना, आई थिंक वो तो मेरे रिवोल्ट में भी हो जाता है जब बहुत दिन हो जाते हैं। कभी चिमटा टाइट कराया इसका? नहीं, ये जिस दिन से खरीदी है तब से ऐसी चलती है। हाँ, तो आई थिंक वो तो यार चिमटे की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूर, ये सबकी स्कूटियों में होती है, मैं 3-4 वाला और चला चुका हूँ ऐसी। अच्छा। हाँ, तो ठीक है भाई, इसके अलावा और बता, ये क्या हशर कराया भाई तूने, ये कौन सा डिजाइन है नंबर प्लेट का? ये हमने नहीं किया, ये हमारे दिल्ली के ट्रैफिक वालों की मेहरबानी है, उन्होंने किया है। बढ़िया लग रहा है। ओ यार, ये क्या डलवाया तूने यार, टायर तो बड़ा प्यारा लग रहा है तेरा। एक्चुअली क्या रहता था, मेरी रनिंग में बीच में एक नाले वाला एरिया आता था, और वहाँ पे काफी फिसलन रहती थी, तो इसका टायर अच्छा ग्रिप नहीं बनाता था, अपनी जगह पे घूमता था, वो ढलान थी। अच्छा। वो अंडरपास था, वहाँ पानी भरा रहता था। Okay. तो इसकी इस टायर की ग्रिप बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसको डलवाया था अलग। कितने का डलवाया भाई ये? ये ₹1200 का टायर है, TVS का। TVS का? हाँ।
ओके, तो साइज मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये 1990 12 इंच का है, इसमें बाय डिफॉल्ट 110 80 आता है, लेकिन मैंने 1990 डलवाया, इससे मेरी स्कूटी ऊंची हो गई है। और ऊंची हो गई है। हाँ। चल भाई बढ़िया। कुछ चलाने चलूने में कुछ अंतर आया? हाँ, इससे चलाने में बस थोड़ी सी, जैसे हम थार वगैरह में ऑफ रोड टायर डलवाते हैं तो उसमें थोड़ी रोड नॉइज बढ़ जाती है। हाँ। तो इसकी रोड नॉइज आ जाती है, लेकिन इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ब्रेकिंग अच्छी हो गई। हाँ। है, चलो भाई बढ़िया है। तो चल अब ये बता दे, तेरा क्या एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव में भी या नेगेटिव में, जो बताना बता दे। पॉजिटिव में ये है कि इसका सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसकी मैप, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कहीं भी जाने के लिए। ठीक है। और सेकंड है इसके स्पीकर्स, मजा आता है। जब मैं जैसे एक बार मैं पेट्रोल वाली स्कूटी से गया था तो मैं बोर हो गया जाते जाते, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, लेकिन इसके साथ गया मैं आराम से स्लो वॉल्यूम पे बिना किसी को डिस्टर्ब किए गाने सुनते हुए बढ़िया आराम से गया था। वहाँ पे इतना मज़ा आया मुझे पूरे रास्ते, मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज़ है ये और इसका चार्जिंग स्लॉट, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चार्जिंग स्लॉट भी यूज़ करता है? हाँ, चार्जिंग स्लॉट भी यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये रहा चार्जिंग स्लॉट। हाँ, लेकिन चार्जिंग स्लॉट की आउटपुट इतनी अच्छी नहीं है, आप समझो 5 वॉट आउटपुट है। 5 वॉट आउटपुट। हाँ, दूसरा मुझे इसकी लाइट बहुत हेल्पफुल रहती है, कहीं पे भी चले जाओ इतना बढ़िया थ्रो देती है लाइट कि आपको बहुत अच्छे से रोड एकदम क्लियर दिखती है। और तीसरी चीज़ मुझे इसका रेंज बहुत प्यारी लगती है, अभी तक मैंने इसके अंदर 180 किलोमीटर चलाया है एक चार्ज में। एक चार्ज में? हाँ। कहाँ पे चला लिया था? स्लो स्पीड पे चलाया होगा है, 20-25 स्पीड चलाया। हाँ, 20। अगर वैसे बताऊँ नॉर्मल स्पीड पे तो मेरा वजन 90 के आसपास है और ये 150 किलोमीटर चल जाती है। हाँ, इको मोड पे आराम से। जब मैंने चलाई थी, जब मेरे पे रहता था तो 130 मेरी निकल जाती थी। हाँ। डेली है ना, बाकी डिपेंड करता है आप ट्रैफिक राइडिंग स्टाइल पे, बहुत डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल, क्योंकि मेरा थोड़ा जो राइडिंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव होता है, मेरे को पसंद नहीं है स्लो चलानी। क्या ठीक है भाई, अपना बता, मेरी सुन अपनी बता। और दूसरी चीज का क्रूज कंट्रोल, ये सबसे प्यारा, क्योंकि मैं अभी इससे पहले एक जगह और जाया करता था, वो हाईवे का रास्ता था, उस पर आराम से 50 का क्रूज लगा दो, उसके बाद आराम से एक कोने में गाने सुनते सुनते बहुत बढ़िया ट्रिप करते चलते चले जाओ, कोई इशू नहीं आता यार। तो सारे ही मजे ले रहा है फीचर्स। हाँ, फीचर बहुत ही कम लोग होते हैं जो सारे फीचर यूज करते हैं, ये बंदा सारे यूज कर ले रहा है। हाँ, पूरे पैसे वसूल रहा है। हाँ, तीसरा इसकी डिग्गी है, डिग्गी ये मेरा फेवरेट है। ये भाई मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसकी जो डिग्गी है ये टेम्पर्ड भाई, ढंग का लगाओ, क्या बेइज्जती करवा रखी है तुमने यार दिल्ली वालों की, सही कराओ इसे। ये भाई ईवी राइडर है, बचत करना पसंद करते हैं, लैपटॉप का बचा हुआ माल तो लगा दिया। अबे यार चल ठीक है, ये इसका इस बार माफ कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो इसमें जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा फैला फैला रहता है। पेट्रोल क्या कर रहा है तेरी डिग्गी में? ये क्या है, ईवी लवर, फेक ईवी लवर है। कहते हैं ना वो स्कूटर के अंदर थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, तो बस जरूरत के लिए है। ठीक है, और ये बाकी तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। बूट स्पेस तो इसके अंदर बहुत है, जैसे कहीं जाना भी आप लोगों को, जैसे अगर बात करते हैं कहीं जाना है, जैसे 60 किलोमीटर की रनिंग है तो अपना चार्जर आराम से रख के ले जा सकते हो। अभी मेरा एक दूसरा इसके, जब मैं इसको ले रहा था तब मेरा एक दूसरा वो अल्टरनेट भी था कि मैं रिवॉल्ट की बाइक ले लूं या फिर TVS iQube ले लूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं 60-70 किलोमीटर मुझे जाना हुआ, किसी दिन मन कर गया तो ये चार्जर थैले में लग से टांग के बैग, यही था पंगा यार। मैं रिवॉल्ट वाले कह के परेशान हो गया कि भाई इस रिवॉल्ट में एक या तो छोटा चार्जर बना जो उसकी फ्रंट वाली डिग्गी में आ जाए, जो छोटा सा स्पेस होता है उसमें आ जाए, लेकिन जब मैं इसे देखता हूँ ना तो मुझे किलसन सी होती है यार, उसमें वो नहीं कर पाए। बहुत सहूलियत मिलती है यार, मैं बताऊँ जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने भी जाता हूँ ना, जब मेरे पास ओला था, अब तो नहीं है, जब था तो भाई इसमें सारा सामान भर देता था इसकी डिग्गी में, सारा कैमरा गियर आ गया, सब कुछ आ गया, तो भाई बूट स्पेस का तो मैं भी फैन हूँ इसका। इसका एक और बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी ब्रेकिंग, और अगर आप इसके अंदर कस्टम टायर्स लगवा लेते हैं तो ब्रेकिंग तो इसकी लाजवाब है। मैं बताता हूँ, एक बार मैं 90 की स्पीड पे था और बारिश का टाइम था, और एकदम से एक वैन वाले, बारिश के टाइम पे आंखें तो खुलती नहीं है मेरे, उस तक हेलमेट पे विंडशील्ड भी नहीं थी, वो मेरी गलती थी, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक सुनता है आपकी, तुरंत ब्रेक लगाओगे बहुत अच्छे से सुनेगा, और ये भी नहीं कि स्लिप होंगे टायर्स इसमें, अगर ब्रेकिंग आपको अच्छे से करनी आती है तो आप इसके अंदर CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, तो आपका फ्रंट और बैक ब्रेक इमरजेंसी कंडीशंस में अपने आप स्कूटर को रोक लेता है, क्योंकि अगर इसके अंदर हम दोनों एक तरफ का ब्रेक दबाएंगे तो दूसरी तरफ का भी थोड़ा थोड़ा, जैसे देख सकते हैं इस तरफ का भी ब्रेक थोड़ा थोड़ा दब रहा है, तो ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। हाँ, एक है कि अगर इसमें ABS होता तो इसका कोई जवाब नहीं था, तो फिर प्राइस बढ़ जाती। हाँ, फिर तुम लेते नहीं हो। नहीं, अब क्या है, चल ठीक है, पॉजिटिव ये भी हो गया। हाँ। और बता इसका वो बता मेरे को, अगर तू यूज करता है तो मोबाइल एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी फीचर्स, ये करता है नहीं, लॉक अनलॉक जैसे करते हैं, दिक्कतें आती है कुछ नहीं? इसमें क्या रहता है कि अगर इसका हम प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फीचर यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर मोबाइल के अंदर ऐप रनिंग होनी चाहिए, आप अपनी रैम से अगर यहाँ से ऐप उड़ा दोगे तो इसका
प्रॉक्सिमिटी अनलॉक बंद हो जाता है, काम नहीं करेगा। हाँ, वो काम तो नहीं करता। कितना कारगर है वो, जैसे अगर तुमने यूज करा हो तो कितना कारगर है? बहुत कारगर है। जैसे 10 बारी में अगर यूज करता है, मान ले तेरी बैकग्राउंड में रनिंग है एप्लीकेशन, मैं आपको बताता हूँ उसको, मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अंदर कि अगर आप 2 या 2 बार से ज्यादा से अनलॉक करते हो और वो बहुत जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर अनलॉक होता है, तो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक 2 मिनट के लिए ऑफ हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, ये भाई साहब है ऑन ऑफ हुए जा रहे हैं। ये पहले दिक्कत थी, फिर 1-2 महीने बाद उन्होंने ठीक कर दी। लेकिन हाँ, ऐसा है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जिस दिन काम कर गया उस दिन पूरे दिन काम करता है, जिस दिन नहीं किया उसका मन है तो करेगा ही नहीं काम कभी, मतलब बीटा में है तो हाँ अभी प्रॉपर है नहीं। प्रॉक्सिमिटी के अलावा जैसे डिस्प्ले से ज्यादा अनलॉक करता है स्कूटर को या फोन से? मैं डिस्प्ले से ज्यादा अनलॉक करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कहीं मार्केट का कोई काम नहीं रहता तो घर में स्कूटर खड़ा होता है, घर में खड़ा रहता है या फिर कॉलेज में खड़ा रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ कोई, इसके अलावा कोई और फीचर जो मोबाइल में अच्छा लगता हो? मोबाइल में मतलब अब ये बता दो भाई, से चार्ज कैसे करते हो, चार्जिंग टाइम क्या है, और अगर अप्रोक्स हम पैसे तो तूने बता दिए भाई फ्री में ही होता है ऑलमोस्ट, पर ये बता चार्जिंग टाइम क्या आता है, कितनी देर में चार्ज होता है, कितना किलोमीटर चल लेता है? इसमें क्या रहता है, इसके अंदर मैं कभी भी इसको जीरो से नहीं लगाता, 40-45% से लगाता हूँ इसको चार्जिंग पे, तो ये करीबन रात के 3 बजे आवाज़ कर देता है, चार्ज हो जाता है। इसकी चार्जिंग स्लॉट यहाँ से है। ओके, तेरे वाले में तो कैप है, मेरे कैप भी नहीं आती, तो कैप आना बंद कर दिया, लेकिन ये कैप बड़ी अच्छी है, अगर इसको वॉशिंग करवाते हैं तो पानी अंदर नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, तो चार्जिंग टाइम इसका नोट भी किया है एक बार, 3% से तो 5.5 घंटे में चार्ज हो गया था, इतना अप्रोक्स बता रहा हूँ, 5.5 अप्रोक्स बता रहा हूँ, आई थिंक 6-6.5 घंटे ले लेता है इजिली अगर जीरो से कर रहे हो तो। ठीक है भाई, पॉजिटिव और बता अगर कोई है तो, फिर चलते हैं नेगेटिव पे। पॉजिटिव दूसरा इसकी सीट का, सीट हाँ सीट इसकी बहुत अच्छी, कवर चढ़वा लिया इस पे भी है। हाँ, इस पे कवर चढ़ा हुआ है। एसेसरीज की मैं अगर बात करूँ तो सीट कवर, ये पीछे का गार्ड, रबड़ गार्ड्स, आगे के रबड़ गार्ड्स और आगे के मेटल गार्ड्स, और एक मिडल स्टैंड चढ़वाया था वो हटवा दिया है। क्या हो गया उसमें? हुआ ये कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक दिन मैं मतलब कभी टच नहीं होता था, आप सब जानते हो लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, वो मिडल स्टैंड टच तो नहीं होता था, लेकिन उसमें रहा गया वो, मैं रोज मिडल स्टैंड पे खड़ी करता था क्योंकि इस पे विश्वास नहीं होता था बगल वाले स्टैंड पे, ये थोड़ा सा ढीला है ना। एक बार गिर गई थी मेरी, तो मुझे एक बार क्लेम भी लेना पड़ा था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें एक दिन मैं घर पे मिडल स्टैंड पे चढ़ा रहा था, एकदम से टक से आवाज आई और मिडल स्टैंड का जो नीचे होल्डर होता है वो टूट गया वहां से। ओके, ठीक है, उसकी इमेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो टूट गया, थर्ड पार्टी होगा ना वो, तो ऑफिशियल नहीं था ना वो लगा? नहीं, वो चेसी का पार्ट है। अच्छा, चेसी का पार्ट निकल गया, तो टकराने से, मतलब एक बार टकराया? नहीं, उतारते ही चढ़ाते। अच्छा, स्कूटर को ऐसे चढ़ाते ना मिडिल स्टैंड पे, तो चढ़ाते टाइम टक से बोल गया वो। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बता रहे थे भाई आप? हाँ, ये प्राइसिंग कितनी कितनी थी, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो, ये कितने कितने क्या क्या लगवाया? मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मिडिल स्टैंड, रबर गार्ड्स और पीछे के रबर गार्ड और ये पूरा सेट इसका जो मैट फिनिश का है, ये मैंने करीबन 3,300 में लगवाया था, महावीर वाला है करोल बाग में। एक आखिरी पॉजिटिव बताऊं तो इसका जो लेग स्पेस है बहुत अच्छा है, आप आराम से पीछे होके पैरों को, जैसे मैं राइडिंग स्टाइल बताऊं तो मैं आराम से इसको ऐसे रख के बैठता हूं। तो इसमें आप अपने जैसे ऐसे एंकल की भी पूरा अच्छे से एक्सरसाइज होती रहती है, यहाँ पे स्ट्रेन नहीं आता है। और दूसरा इसका पॉजिटिव है कि जब हम क्रूज कंट्रोल पे इसको चला रहे होते हैं तो जो लोग ज़्यादा बाइक और स्कूटर्स चलाते हैं तो उनके राइट शोल्डर पे स्ट्रेन से आने लग जाता है, लाइक थकान हो जाती है बहुत लंबा अगर हम चलें तो। वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है, मेरे को कभी भी थकान नहीं हुई। और एक पॉजिटिव और है, स्कूटर इतना शांत है ना, इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, ये फायदा है। तो कितनी भी लंबी जर्नी, ये सब ईवी का है, कितनी भी लंबी जर्नी करो थकान नहीं होती वाइब्रेशन वाली, ये तो काम की चीज है। ठीक है भाई, तूने सारे पॉजिटिव बता दिए, तेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, लेकिन नेगेटिव से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दे कि अगर किसी को ईवी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है मेरे साथ इस चैनल पे तो उसे क्या करना है? उसको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे सर का नंबर होगा, आप उस नंबर को सिंपली व्हाट्सएप पे सेव करो, ईवी ज्ञान के नाम से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, उस पर जस्ट एक हाई मैसेज करो और अपना बता दो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है और सर आपको जरूर बुला लेंगे, लेकिन सिर्फ दिल्ली NCR वाले करना। हाँ, तो भाई बंदे ने कितना प्यारा बताया है। तो भाई आपके पास कार हो, ईवी रिक्शा हो, चाहे भाई स्कूटर हो, भाई को कुछ भी हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई नेगेटिव्स की। नेगेटिव में ये रहती है, इस वक्त ओला ने जो नया इंट्रोड्यूस, पहला नेगेटिव मैं बताता हूँ इनका जो सर्विस है, सर्विस में पहली बात तो सर्विस एक्सपीरियंस भी, प्लस इनको सर्विस तक पहुँचाने का भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि
अब क्या हो गया, अब इन लोगों की ऐप में पहले अप्लाई करना होता है, 2-3 दिन बाद का स्लॉट मिलता है, फिर वहाँ स्कूटर लेके जाना पड़ता है, फिर उन्हें वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो अगला स्लॉट बुक करना पड़ता है, तो मतलब कस्टमर भागता थोड़ी रहेगा। अब कल को किसी का स्कूटर बंद कर गया, अब उनके सामने जाके खड़ा है, अब वो कह रहे हैं कि आप पहले स्लॉट बुक करो, स्लॉट भी मिलते 1-2 दिन बाद के, तो इस कंडीशन में वो लोग बंदा क्या करेगा अगला, तो ये खराब चीज़ है। हाँ, सर्विस का अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, ठीक है। हाँ, और दूसरा एक बार, और इसकी पैनल फिनिशिंग जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, पैनल फिनिशिंग बहुत बेकार है। ओके, जैसे हाँ, जैसे ये पूरा पैनल, ये वाला नहीं, ये देखो ये है ना, ये एक अच्छा बार मेरा क्लेम हुआ था तो ये सारा पैनल इसका ढीला हो गया है यहाँ का, ये देखो ये दबता है अंदर की तरफ, ये सारा पैनल, ये सब फिनिशिंग के साथ सेट नहीं कराया गया था। नेगेटिव दूसरा इसका जो ये हेड कंसोल है, ये पूरा इसके अंदर से उल्टी सीधी आवाज़ें कभी कभी आने लग जाती हैं, कभी कभी बंद हो जाती हैं अपने आप। जैसे अभी ये थोड़ा सा उखड़ खावड़ रास्ता है, मैं दिल्ली की सड़कें स्मूथ हैं, लेकिन जैसे ही मैं उखड़ खावड़ पे लेके जाऊँगा इसके अंदर से आवाज़ें आने लग जाएंगी, ये ये सब पूरा आवाज़ करने लगता है, इसके अंदर से आवाज़ आती है, इसके अंदर से आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये हैंडल वाला एक नेगेटिव हो गया, इसके अलावा पता कोई और नेगेटिव है तो? नहीं, इसके अलावा और कोई नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो अब मेरे को ये बता दे, अभी तक का पहले स्कूटर का एक्सपीरियंस बता, 10 में से कितने देगा भाई? इसको मैं 10 में से 8 देना पसंद करूँगा, वो 8 में से अगर मैं 3 की बात करूँ, वैसे तो 10 में से 5 स्कूटर को दे रहा हूँ, लेकिन मैंने 3 इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि इसने मेरे बहुत पैसे बचाए हैं। अच्छा, और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर आप अगले 5 साल की वारंटी लेके 40-45 हज़ार किलोमीटर चला लो तो पूरी की पूरी अपनी सारा वसूल ले निकाल देगा ये पूरी। हाँ, ठीक है। अब भाई ओके, अब मेरे को ये बता दे कि भाई स्कूटर किसी को सजेस्ट करेगा या नहीं करेगा, दूसरी कंपनी में जाना चाहिए? अगर आप आराम से चलाओगे, आराम से, जैसे कोई ऑफिस के सर है या अंकल है या फिर कोई लड़का है कॉलेज का, वो भी चला सकता है, लेकिन आराम से चलाने वाला बंदा है, जिसको स्पीड से प्यार है स्पीड से चलाए, लेकिन गड्ढों में कुदाने के लिए नहीं है ये, आराम से स्मूथ रोड्स पे चलाने के लिए, गांव वालों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके भाई, अपना एक्सपीरियंस देने के लिए थैंक यू। इस भाई की तरह रिव्यू देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, उस पर व्हाट्सअप कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को हाई सेंड कर दो, हम आपका रिव्यू लेने आ जाएंगे।